आराम से जा रही है, लगेगी नहीं। अच्छा मजा आ रहा है ना? डर लग रहा है बाबा, डर लग रहा है पानी से। तो हमारी ऑफ रोडिंग होगी अब स्टार्ट। कश्मीर का असली नज़ारा, हॉर्स राइडिंग से भी जा सकते हैं। ये सोनमार्ग में हम उतर गए हैं। अभी गांधरबल से हम निकल चुके हैं और अराउंड 20 से 25 किलोमीटर आगे हम श्रीनगर से, और सोनमार्ग रुकेंगे, वहाँ पे खाना वगैरह बनाएंगे। और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये अपने सोनमार्ग के पहाड़। और मस्ती लेते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं सारे बर्थडे बॉय के साथ। मजे लेते हुए बर्थडे बॉय तो सो गया, हैप्पी बर्थडे बॉय तो सो गया था। तो गाइज अभी सोनमार्ग से अराउंड 20 किलोमीटर पीछे और एक व्यू आया था, तो वहाँ पे रुके थे हम, और इसी व्यू को कैप्चर करने के लिए ना रुके हैं। पानी की आवाज़ तो ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन ट्राई करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक आए। अभी वो सामने पुल पे भी जाएंगे हम, ये देखिए। गाड़ी लॉक कर दो। तो गाइज नज़ारा चेक करो अपना सोनमार्ग से थोड़ा सा पीछे, और बहुत प्यारा गाँव है, छोटा सा टाउन है ये देखिए। आज बाबा आगे आ जाओ, भाई ये लकड़ी ना टूट जाए, कहीं डह जाए हम इस। अंकित भाई देख लेना कहीं, वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो फैजल भाई कैसा लग रहा है? गजब भाई, पहले डर लग रहा है यार। मजा आ रहा है ना? हाँ डर लग रहा है, मजा डर लग रहा है, देख तो लग रहा है। पत्थर नीचे भाई, बाबा डर लग रहा है पानी से। कैसा लग रहा है? अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। अंकित भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है कश्मीर में। ये हमारा बर्थडे बॉय है, पीछे ना गिर के भाई। बर्थडे बॉय फोटो तो जो मेन रास्ता था सोनमार्ग का वो बंद था। अभी सोनमार्ग में हम पहुंच गए हैं और अब बस अपनी पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे और थोड़ा फोटोशूट वगैरह करके फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से अपने कारगिल के लिए। अभी सोनमार्ग में हम उतर गए हैं, थोड़ा सा ना जो मेन एंट्री थी वहाँ से एंट्री नहीं थी कार्स की, तो हम थोड़ा सा ना घूम के आए हैं। तो ये देखिए सोनमार्ग की पहाड़ियाँ, यहाँ पे थोड़ी देर हम फोटो शूट वगैरह करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। चले। तो गाइज अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ऑडियो में पता नहीं कैसी आ रही होगी अभी, लेकिन अभी हम हैं सोनमार्ग के मैदान में और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, 18 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे अभी जो हमने टेम्परेचर देखा है। और ये देखिए नज़ारा, कश्मीर का असली नज़ारा। देखिए सामने जो पहाड़ है ना, यहाँ पे 12 से 13 किलोमीटर की आई थिंक ट्रैकिंग है, और हॉर्स राइडिंग से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और यहाँ पे ठंड इस टाइम इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि स्वेटर का टाइम आ गया। क्यों भाई, और फील है भाई यहाँ पे अलग ही, कश्मीर की ना जन्नत में हम लोग अभी।
अच्छा जन्मदिन बना तेरा, याद रखेगा। अभी तो बनाएगा। अभी हमने ना कारगिल से आगे का स्टे करना है आज, और यहाँ पे सोनमार्ग में कोई ज़्यादा वैसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे हम इस टाइम है। नॉर्मली ग्राउंड है और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेन चीज़ जो है ना, ये ग्राउंड है। यहाँ पे अगर आप बाय रोड ही आ रहे हो ना, आपने लंबा ट्रैवल करना है, तो यही वाली जगह बेस्ट है। बाकी अभी हम आगे खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि आज ना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्राउड काफ़ी थी, तो खाना हम आगे बनाने वाले हैं। और आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। अपना फ़ोटो शूट तो हो गया, अभी निकल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। काफ़ी ज़्यादा पड़ा है आज, कारगिल क्रॉस करके ही पहुँचना है कहीं पर। तो हमारा जो डेंजरस रास्ता है ना, वो स्टार्ट हो गया है। और आसान नहीं है भाई, लोग लद्दाख आना। ये देखो नीचे चेक करो खाई आप। और जो दिलेर बंदा होता है ना, वही लद्दाख आता है। जिला पास है वो भी एक वो है चैलेंज। लगेगी नहीं, प्यार से निकालनी, प्यार से निकालनी पड़े। फ्रिजी है वो। उसे बोलो पीछे ले भाई गाड़ी। चले भाई, भाई पीछे चलो 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 चल भाई, चल पीछे लो भाई। तो हमारी ऑफ रोडिंग होगी अब स्टार्ट। अब चैलेंज ही चैलेंज है हमारे लिए ना।